उम्मीदवार के चयन करी और कसौटी के हर मापदंड पर परखी। हम कह सकता नहीं हम कि कसौटी के कोनो मापदंड पर हम अव्वल रहे। अगर अव्वल से अगर हम दूसरा नंबर पर भी आ जाए तो हम ओ दिन अपन नॉमिनेशन विड्रॉ कर लें, पहला चीज। दूसरा चीज ई कि जैसे हम पहले बोलनी है, क्षेत्र के विकास ना नरेंद्र मोदी करे यहाँ ना नीतीश कुमार करे यहाँ, क्षेत्र के विकास और लोकल प्रतिनिधि करी तो लोकल प्रतिनिधि के अपना क्राइटेरिया के हिसाब से चुनाव करी। पार्टी के मत देखी, पार्टी के देखे तो ये नरेंद्र मोदी जी ना ही हन, 10 महीना हो गए विधायक के जीत के गैला के बाद, मगर अरोरा लोग कहत नहीं, हमने की कहत कि आज तक रुआ दिखाई ना दिलन, दिखाई दिलन बोली लोग समस्या बतैले रही अपने विधायक के, 20 बेर बाजार को लाइल बार रुआ लोग अपने विधायक के समस्या बतैले रही। हाँ तो का भाई कहाल बात का भाई मिली तो रुआ से हम पहले एगो सवाल पूछनी है कि ऐसा विधायक के चयन रुआ काहे कहनी, काहे ऐसा विधायक के चयन कहनी, कोई कुछ करे तो गारंटी बा, गारंटी एक बाबू 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 गारंटी बा, गारंटी बा हम कहनी है नीतीश कुमार बहुत अच्छा इंसान बड़ा, मगर उनका मंत्रिमंडल में उनका साथे जो हर कोई रहे वो जरूरी नहीं थे, वो अपन प्रतिनिधि चुने जाता नहीं, वो अपना विवेक अपना बुद्धि से प्रतिनिधि चुनी, कोनो चुनाव खातिर कोनो मानदंड कोनो माप रखी उकरा खातिर, उकर शिक्षा उकर बैकग्राउंड उकर आचरण सब चीज तो देखे न, हमनी के समाज सेवक है सन, हमनी के समाज के दर्पण हुई सन, जैसन हम होके वैसे ही हम समाज के चाहे। मान ली हम दिन भर गुटखा खा के दारू पी के रहे तो हम का समाज के सृजन करें, हम दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखें तो समाज के हम का दे, ये खुद शिक्षित नहीं के समाज के कैसे शिक्षित बनाई, ये खुद सभ्य नहीं के का समाज के सभ्य बनाई। तो एगो सभ्य व्यक्ति एगो शिक्षित व्यक्ति के ले आए तो सभ्य और शिक्षित समाज के निर्माण करी। एगो ई बात बताई गाँव में स्कूल हुई स्कूल बा रुआ पढ़ के का करें, कौन नौकरी के जा सृजन बा, कौन रोजगार के जा अवसर प्रदान बा, विधायक बा ओकरा के पूछ दी कि MSME माने लघु मध्यम वर्गीय कुटीर उद्योग में कौन कौन सा उद्योग आवेला तो ना बता सकी, ना बता सकी। तो ऐसा आदमी के जे दिन भर मुंह में गुटका रखते हुए और वैसे बतियावत होगा विधानसभा में जो बोले के बारी आवे तो लुका जाओ कि कहीं हमारा बोले। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हमारी टीम सिवान जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और इसी क्रम में आज हम फिर से एक बार पहुंचे हुए हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ गाँव में, जहाँ पर अनुराग उर्फ भोला सिंह जो कि स्वर्गीय उमा शंकर बाबू जो सांसद हुआ करते थे उनके पुत्र हैं, जितेंद्र स्वामी के भाई हैं, लगातार इनका दौरा चल रहा है, तमाम इनके साथ रामगढ़ गांव के लोग हैं। यहां पे लोगों से हम बात करेंगे, हालांकि भोला जी अपनी बातों को रखा और सभी लोगों को इन्होंने बताया कि एक बार मुझे मौका दीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों को आप लोगों ने तो देख लिया, भोला जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या कुछ इन्होंने कहा और क्या आप कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हम लोग तो बहुत नेता को बना दिए और आज़ादी का कम से कम 68 वर्ष से ऊपर हो गया जी। और दुरांधा विधानसभा क्षेत्र में वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि छपरा जिला में हुआ है। अच्छा। ये सिवान जिला में पड़ता है और इधर का विकास एकदम ठप चल रहा है, तो 20 साल से तो ये विकास बहुत ठप चल रहा है। 20 साल से हम लोगों का वैसा नेता नहीं मिल रहा है जैसा हम लोग नेता चाह रहे हैं। तो अब कैसा नेता चुनना चाहते हैं? अब हम लोग कोई नया नेता चुनेंगे कि जो विकास करे। तो ये भोला जी आप लोगों के बीच आए हुए हैं, इनसे बातचीत हुई क्या? इन्होंने जो सब कुछ कहा दावा जो किया वो खड़े उतरेंगे और क्या आप लोग इन्हें मदद करेंगे? हम लोग भी अपना दावा रखे हैं कि हमारे गाँव में बहुत सारे रोड खराब है, हम लोगों का फसल डूब जा रहा है, वो बाबा महेंद्र नाथ के पास में जो बांध है दो वही कट गया है, टूट गया है, उसके लिए हमारे लोगों का फसल बर्बाद हो रहा है। हम लोग अपना दावा पेश करेंगे, इस दावा पर जो भी नेता उतरेगा या भोला बाबू हो या अन्य नेता हो, वो जो दावा हम लोगों का स्वीकार करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? भोला जी के साथ दौरा चल रहा है, कैसा चल रहा है दौरा? हम तो कहना चाहेंगे कि इसके पहले 9 महीना 10 महीना पहले एक विधायक चुना गया,
जो विधायक 9-10 महीना में इधर दिखाई नहीं पड़े, हम लोगों का धान पूरा दह गया, गेहूं का फसल भी होना मुश्किल है, लेकिन उसके उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस एक दो आदमी के घर आते हैं, आके चले जाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। आज आप लोगों के बीच भोला जी आए हुए हैं, क्या उम्मीद आप लोग इनसे पाले हुए हैं? उम्मीद तो यही पाले हैं कि भोला जी आए हैं, हम लोगों का विकास करेंगे जी। और निर्दलीय होकर जीतेंगे और फिर जाके मिल जाएंगे उसी में। आप लोग मदद करेंगे? हाँ, मदद हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे भोला जी का दौरा चल रहा है, क्या कुछ इन्होंने कहा यहाँ पे? भोला जी बोले हैं जी कि हम विकास करेंगे, हमें वोट मिलना चाहिए और जो भी क्षति हुआ है उसको हम आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में और उसको धरातल पर ले आएंगे और सबको हक को दिलवाएंगे। हम लोग भोला जी को पक्ष में वोट देंगे और सभी जनता इनके ऊपर प्रसन्न है। मतलब इन्हें विधायक आप लोग बनाएंगे? बनाएंगे, विधायक बना करके छोड़ेंगे हम लोग। ये चैलेंज है कि भोला जी विधायक बनेंगे, चैलेंज है एकदम। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए, बातचीत हुई है यहाँ पे, आप लोग इस रामगढ़ गांव के लोग हैं, क्या कुछ दिक्कतें थी जो आप लोगों ने भोला जी से कहा? हम यही दिक्कत कहे हैं कि रोड तो आप आए हैं तो देखे हैं खराब है ही है, उसके बाद ये कहें कि हम अगर विधायक बनते हैं तो आप लोग का जो भी वो रोड है और मोजावा है डूब गया है धान, वो हम सभी विधानसभा में आवाज़ लगाएंगे और तो हमारा करेंगे। हमारा विचार है कि इन्हीं को नेता बनाया जाए, इस बार इनको मौका आप लोग दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। तो आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई और लगातार इनका दौरा भी चल रहा है। जो भोला जी हैं, अनुराग उर्फ भोला सिंह, स्वर्गीय उमा शंकर बाबू जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे महाराजगंज के, और जितेंद्र स्वामी के भाई हैं, तो ये तमाम दौरा कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी बातों को भी इनसे बोल रहे हैं। अब हमारे साथ भोला जी मौजूद हैं। भोला जी, लगातार दौरा आपका चल रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है, बहुत कुछ समस्याएँ हैं लोग आपको सुना रहे हैं, किस तरह का से निदान निकालेंगे उसका? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप समय निकाल कर रामगढ़ तक पहुँचे और यहाँ की जनता की आवाज़ सुनने का प्रयास किया आपने। देखिए, यहाँ लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, कारण ये है कि यहाँ पे लोगों का नेताओं पे से विश्वास उठ गया है। नेता इतना यहाँ पे लोगों को बहलाए फुसलाए हैं और इतना ना उन्होंने गलत वादे किए हैं कि लोगों को में ये मन धारणा बन गई है कि जो भी यहाँ आ रहा है वो सिर्फ वादे करके जा रहा है, वो पूरा नहीं करेगा। समस्याएं यहाँ अनगिनत हैं, मगर मेरी प्राथमिकताएं होंगी। प्राथमिकता अभी जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारे संविधान के हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलना चाहिए, हर नागरिक को मिलना चाहिए, सड़क बिजली पानी, वो मुहैया हो। उसके बाद जो असल में जो विकास होता है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे शिक्षा, ये इन पे सेकेंडरी में काम किया जाएगा। प्रायोरिटी अभी जो मूलभूत सुविधा है वो प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बाढ़ को लेकर के फसलें इनकी बर्बाद हो गई है, उसके लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, मुझे तो देखने से लग रहा है कि दरौंदा विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। धान तो धान, अब गेहूं के फसल भी होंगी कि नहीं होंगी उस ये कहना मुश्किल है। देखिए, हमारी प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो गई और जो कि भूखमरी की समस्या के करीब हैं, सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि उन लोगों को मुआवजा मिले और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो भी राहत पैकेज यहाँ की जनता डिमांड करेगी वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आपके सामने NDA के उम्मीदवार हैं करणजीत सिंह ब्यास सिंह, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरनाथ यादव, तो आखिर कैसे निपटेंगे इन लोगों से आप? देखिए, करणजीत सिंह ब्यास, एक एक करके मैं बोलूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सिंबल दे सकती है, सर्टिफिकेट यहाँ की जनता देगी और जनता मेरे साथ है। जनता जानती है कि मैं भी NDA का कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता हूँ, मेरी विचारधारा आज भी NDA की है और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ की जनता ये जानती है कि मेरे साथ कैसे छल किया गया और मुझे कैसे छला गया, तो जनता उसका जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। और जहाँ तक
माले की बात है तो माले तो एक ऐसा पार्टी है जो समाज में विखंडन लाके अपनी राजनीति करता है, जो हत्या की राजनीति करती है, उससे कोई कोई सरोकार नहीं है, उसको तो हम लोग यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि अगर माले मतलब कि यहाँ पे आए तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है? अगर यहाँ माले आया तो ये पूरा विधानसभा क्या, ये पूरा जिला जो है ये अव्यवस्थित हो जाएगा, यहाँ चैन अमन शांति जो अभी तक बहाल थी सब समाप्त हो जाएगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में विखंडन हो। हम यहाँ आज तक ऐसा माहौल नहीं रहा है दरौंदा विधानसभा में जहाँ भाई भाई का खून बहा रहा हो। गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, पुराने नेता हैं एनडीए में, ये लोग तमाम लोग रह चुके हैं, आज ये अनुराग जी के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। गौतम जी क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप लोग भी एनडीए में रहे लेकिन जब अनुराग जी को टिकट नहीं मिला है तो इन निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग साथ में दौरा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो मैं कह दूँ कि इन्हें टिकट नहीं मिला है तो इसका तो हम लोगों का परिश्रम बेकार गया है। हम लोग चाहते थे कि इन्हीं को टिकट मिले पुराने इतिहास को देखते हुए। जहाँ तक हम लोगों का दौरा का बात है तो जो हमारे प्रत्याशी भोला बाबू कमिटमेंट कर रहे हैं जनता के बीच, जैसे आज हम लोग भदौर, बंगरे के बारी, मेहंदार, बिरती घूमते हुए आज इंडोनियार रामगढ़ में पहुँचे हुए हैं। ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं भोला बाबू, इस पर लोगों को विश्वास करने में थोड़ा भी देरी नहीं हो रहा है। और इसका मूल कारण है इनके पिताजी उमाशंकर बाबू, जो उनका जो राजनीतिक इतिहास जो पढ़ा है, उनके राजनीतिक हाव भाव को देखा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये भी उनके पद चिन्हों पर खरा उतरेंगे। और जितेंद्र स्वामी जी के कार्य क्षेत्र को देखते हुए भी इन पर विश्वास करने में आम वोटरों को थोड़ा भी कठिनाई नहीं हो रही है। और जितना भरपूर हम लोगों को सहयोग मिल रहा है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि भोला बाबू को यहाँ की जनता जो है पूरे क्षेत्र की मन बना चुकी है कि हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन के रूप में भोला सिंह को ही जिताना है या निर्दलीय रूप में। तो हम लोगों को देखते हुए बहुत दिन से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, सारे लोग यहाँ तो देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं। आपने भी पूछा और हम लोग भी बात किए तो भोला बाबू को सारे लोग जिताने का मन बना चुके हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि अनुराग और भोला जी से हमारी बातचीत चल रही थी और जिस तरीके से लगातार, बताइए क्या कहना चाहते हैं जी? हम तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, नाम अशोक कुमार उपाध्याय हुआ। कहीं ना कहीं वर्तमान जो विधायक जी हैं वे निर्दलीय सब लोगों के सहभागिता से विधायक बने, परंतु जैसा हम लोग उम्मीद किए वैसा वो नहीं उतर रहे हैं और न ऐसा कुछ उनका कार्यक्रम है। जहां हम लोग मौजूद हैं रामगढ़ में, लगभग पूर्ण सफाया के तौर पर यहां पर दहार हुआ है जी। चैनपुर से लेकर के इधर जाइए बगौरा तक जो है सो पानी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक विधायक जी हमारे न मीडिया में किसी तरह की बात किए, न सरकार से किसी तरह का एक पत्र भी लिखे, इसलिए जनता जो है सो उनके कार्यों से माने उब चुकी है और अभी स्वस्थ हो गई है। जहाँ तक रही भोला बाबू की बात, भोला बाबू के पिताजी दिवंगत उमाशंकर बाबू का पहचान कार्य का पृष्ठभूमि अछूता नहीं है, जन जन तक प्रिय है। और एक कहावत है कि माँ गुण बछरू, पिता गुण घोर, आ ना ढेर तो थोरहूँ थोर। भोला बाबू एक अच्छे पद पर रहने वाले व्यक्ति ने अपने पिता के आदर्शों का पालन और उनके मनसा को कामयाब करने के नियत से हम सब जनता के बीच में आए हैं और हम लोग भी इनकी मदद में तन मन धन से लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता के बीच ये खरा उतरेंगे और जनता के वायदों को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना यह होगा कि अब इस दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुन करके बिहार में विधानसभा में भेजने का काम करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरौंदा के रामगढ़ से एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार सिवान।